हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आतंकवादियों के आका पाकिस्तान को लगता है कि वो ही सबका बाप है, जब चाहे अपने पाले गए आतंकियों से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तालिबान उसका भी बाप है। तालिबान ने इस बार कुछ ऐसा किया है कि हो सकता है पाकिस्तान एक बार फिर तबाही की कगार पर आ जाए। तालिबान उसके गले की वो हड्डी है जिसे वो ना निगल सकता है और ना ही गटक सकता है। तालिबान ने पाकिस्तान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया है। इस समय पाकिस्तान में तालिबान ने गोलीबारी शुरू कर दी है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान सहम गया है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक सीमा के जरिए अलग होते हैं, इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य उसका ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने कांटेदार तार से फेंसिंग की है, लेकिन तालिबान इसका विरोध करता है। इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना और अफगान के तालिबानी लड़ाकों के बीच चमन सीमा पर भारी गोलीबारी जारी है। दोनों के बीच हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 37 लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच गोलीबारी तब शुरू हुई जब अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में मोर्टार गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इसके जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने पाक अफगान चमन सीमा के पास हमला कर दिया। तालिबान लड़ाकों की तरफ से भारी गोलीबारी में 6 पाकिस्तान नागरिकों की मौत हो गई और 17 लोग घायल भी हो गए। लेकिन पाकिस्तान का कहना ही कुछ और है, वो अलग ही राग अलाप रहा है जिससे सिंपथी बटोर सके। पाकिस्तान की सेना ने बयान दिया है कि पाकिस्तान सेना ने तालिबानी लड़ाकों को चौकियां बनाने से रोकने की कोशिश की, तभी दोनों में झड़प हो गई और देखते ही देखते तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। पाकिस्तान का दर्द कोई नहीं समझेगा, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब आतंकवादियों का रहबर बनकर दूसरों को परेशान करोगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा, क्यों? सही कहा ना। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।